ग्रह, नक्षत्र, तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और एस्ट्रो मित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज की भाग्यवान राशियां बताने जा रहे हैं। 10 सितंबर 2018 सोमवार का दिन है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सुबह 6:48 तक रहेगा, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि अगले दिन सुबह 5:42 तक रहेगा। सूर्योदय के समय सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे जो कि दोपहर 12:32 तक रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे जो कि 2.25 दिन तक लगातार रहेंगे। और इस दिन जो है दिशा शूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए इस दिन पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। और यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आईने में अपना मुंह देख करके, कांच में अपना चेहरा देख करके यात्रा कर सकते हैं। और यदि हम ग्रह गोचर की बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्य देव सिंह राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा की बात करें तो वो सिंह और कन्या दो राशि में आधे आधे दिन के लिए रहेंगे। मंगल ग्रह मकर राशि में होंगे, बुध ग्रह सिंह राशि में होंगे, गुरु ग्रह तुला राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार यदि देखा जाए तो वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ, ये 7 राशियां जो है महाभाग्यवान रहने वाली है और इन 7 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। इन 7 राशि वालों के ऊपर महालक्ष्मी देवी की विशेष कृपा होने वाली है। साथ ही इन 7 राशि वालों को कोई बड़ी सौगात मिल सकती है, कोई बड़ी खुशखबरी इनको प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।